एक्चुअली मैं अपने लिए जो है वो चश्मा जो है वो पसंद कर रहा हूँ, तो कितने का? 650। कितने का? 650। ये कबीर सिंह आजकल यार, कबीर सिंह का पुराना हो गया कबीर सिंह। नहीं नहीं आजकल इसका डिमांड थोड़ा सा है। Assalamualaikum guys, एक्चुअली मैं जब सुबह सुबह उठा तो मेरा दिल किया आज के मैं जो है वो बाहर नाश्ता करूं और उसी को मैं एग्जीक्यूट करने जा रहा हूं, उस प्लान को कि हम बाहर नाश्ता करेंगे। तो वेलकम टू बैक माय चैनल एंड आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। तो अब हम गाड़ी में हैं, हम ज़रा कमर्शियल जा रहे हैं, बाहर नाश्ता करेंगे और महाफातमा का भी एक काम निपटा लिया, उसको भी इंजेक्शन लगना था, उसको भी इंजेक्शन लगवा के हम काफ़ी देर हमने सोचा कि हम कहाँ जाएँ, फिर हमने सोचा कि कमर्शियल ही चलते हैं और बाहर से नाश्ता प्लान करते हैं। मामा मेरे साथ हैं, मारूफ पीछे बैठी भी है और बस हम अपनी मंजिल की जाने पे हैं, रवा दवा हैं। तो देखते हैं कि नाश्ते में हम जो है वो क्या करते हैं। कमर्शियल में बहुत सारी जो चीज़ें वो हैं वो अवेलेबल होती हैं, तो मेरा दिल एक्चुअली पूड़ी छूड़ी का भी है और पराठे का भी है, तो देखते हैं कि वहाँ जाके हमें क्या मिलता है। पर ये हो गया है, सिग्नल जो है वो खुल गया है, जिससे मैं बहुत चिढ़ता हूँ। ये सिग्नल होने भी चाहिए, नहीं भी होने चाहिए, लेकिन होने चाहिए, सिग्नल्स होने चाहिए, लेकिन काफ़ी दफ़ा बंदा चिढ़ जाता है कि यार सिग्नल क्यों है, अभी इतना रुक के वेट देखा फिर बंद हो गया, यही मसला है। लेकिन हम फिर भी निकल लेंगे इसके अंदर से, और ये मैं निकल गया सिग्नल के अंदर से। तो इतनी देर में मामा बात करेंगी कुछ ना कुछ आपसे, चलिए मामा कुछ ना कुछ बोल दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज बस उमर ने कहा कि चले बाहर चलते हैं, लेकिन हम लोग खैर एक काम के लिए निकले थे, माँ फातिमा को हमने वैक्सीनेशन करवानी थी, इसलिए वहाँ से, वैसे इतना मैं नहीं वो कर रही थी कि इतनी जल्दी हम लोग वहाँ से पार्क हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जल्दी से हमारा जो काम है हो गया। मैंने ही बल्कि ऑफ़र की कि चलो नाश्ता बाहर करते, तो उमर ने कहा कि नहीं चले कमर्शियल ही चलते हैं, वहीं अच्छा नाश्ता मिल सकता। सो हम जा रहे हैं अब कमर्शियल की तरफ, सदर में तो हमें कुछ नज़र नहीं आया। पहले प्लान हमारा जो है वो थोड़ा सा डिसमिस हो रहा था कि चलो यार घर ही चलते हैं, कि नहीं सुबह काफ़ी दिनों के बाद निकले थे, तो हमने सोचा कि हम नाश्ता ही बाहर करें। ये सोचा कि मुझे घर जाके नाश्ता बनाना पड़ेगा, तो चले भाई आप बाहर ही चलते हैं, तो हम जा रहे हैं, रवा दवा है इंशाल्लाह। और ऑफर को पूरी अवेल कर रहे हैं हम लोग कि हम नाश्ता बाहर कर, ऑफर भी अवेल कर रहे हैं मेरे बच्चे, और मौसम भी बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा मौसम, बड़ा क्लाउडी है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बाइक। एक्चुअली मैं अपने लिए जो है वो चश्मा जो है वो पसंद कर रहा हूँ, तो कितने का? 650। कितने का? 650। ये कबीर सिंह आजकल कबीर यार कबीर सिंह का पुराना हो गया कबीर सिंह। नहीं नहीं आजकल इसका डिमांड थोड़ा ज़्यादा है। शीशा दिखा इसमें जो ना, और दूसरा ये आपको मिल जाएगा सस्ता। वाह वाकई ये कबीर सिंह स्टाइल, ये देख लो इसका काफ़ी सस्ता। नहीं मैं मुझे इसका सर ये चाहिए, ये चीज़ और नहीं, मुझे ये चाहिए, आप ये चीज़ सस्ते में दोगे? और कितने सस्ते में? ये 750 का, 750 का चश्मा। ये पता क्या ब्रदर, ये सवेरे काटे में सही बात, हमारा 1000 का भी बेच जाते, लेकिन सुबह काटे हैं, पहला कहा कि मैंने कहा चलो भाई को बना सकते हैं। नहीं नहीं ये पहला कहा, पहला कस्टमर आ गया है, ये बहुत महंगा, ये नहीं कितना जैसे 750 का बहुत महंगा। अरे आपका रेंज कितना हो रहा होगा, दे दे मैं इसके दूंगा 150। ये कितने का? ये 450। ये तो मुझे लेडीज लग रहे हैं जेंट्स है, ये आजकल स्टाइल इस तरह चल गई। नहीं क्योंकि न्यू है आपको लगाओ, वो मुझे 150 का, 150 का
हाँ 150 का, तो बस 150 का लूँगा मैं। ठीक है ओके, 150 का, 750 को बताया तो 150 में मैं ले लूँगा। 150 का ठीक है, 150। आखिरी आखिरी तुम बताओ फिर मैं तुम्हें बताऊँगा। 700 एक्चुअली मैं यही लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मुझे मिल जाए और इस पर मेरा दिल आ चुका है, जिस चीज़ के ऊपर मेरा दिल आ जाता है वो मैं ले लेता हूँ। ये वाला आपको मन कितने का लगा? नहीं नहीं ये वाला कितने का दोगे पहले ये बताओ। मुझे सही से बताओ, मैंने लेनी लेनी वाली बात करो ना और देने वाली बात। चलो फिर आप पूरी मुनासिब पैसा दे ले जाओ। 250 में बात डन हो गई जी हमारी। ओके 250 में बात डन हो चुकी है और अच्छा भी लग रहा है काफ़ी, मुझे सूट भी कर रहा है काफ़ी मेरे। अच्छा तो ये जो ग्लासेस ये मैंने खान साहब से ले चुका हूँ और खान साहब एक थम्स अप कर दो यहाँ पर, ज़रा हाई कर दो यूँ थम्स अप कर। तो ये मैं ख़रीद चुका हूँ, मेरे ऊपर सूट भी कर रहा है। मैंने काफ़ी अरसे बाद इस तरह के कोई ग्लासेस लिए हैं और हालांकि मुझे लेने थे लेकिन मैंने नहीं लिए, लेकिन फिर मैंने सोचा ये ऐसे ग्लासेस अच्छे लगते हैं ले। तो चलते हैं अब ऊपर क्योंकि मारूख और मामा मेरा वेट कर रहे हैं ऊपर। इस वक्त मैं आ चुका हूँ कमर्शियल मार्केट के रिफ्रेशन सेंटर में अंदर और ऊपर आए हैं हम, हमारे जो है नाश्ता आ चुका है, पूड़ियाँ आ चुकी हैं और अभी नान भी आने वाले हैं। हाँ एक ग्लासेस में नाश्ता बड़ा मज़े का है और बस हम उसको शुरू करने वाले हैं क्योंकि माँ फातिमा फिर होना शुरू हो गई है, लेकिन हम कह रहे हैं कि नान आ जाए तो शुरू करें, लेकिन फिर भी चलो हम शुरू कर देते हैं। नान गरम गरम है, बहुत मज़ेदार है और चने के साथ खाने का बहुत मज़ा आ रहा है। मैं तो जो लोग पिंडी में रहते हैं या फिर कहीं से भी आएँ तो एक दफ़ा रिफ्रेशमेंट सेंटर ज़रूर आएँ और यहाँ पे आके नाश्ता ज़रूर करें, बहुत मज़े का होता है यहाँ पे नाश्ता। लेकिन सर्विस थोड़ी सी गंदी है लेकिन नाश्ता बहुत मज़ा आता है। तो अब नाश्ता करें तो आपको नाश्ते के बाद। तो चले जी नाश्ता हम लोग कर चुके हैं और बहुत मज़ा आया। नाश्ते की रिव्यू लेते हैं मामा से। मामा कैसा लगा नाश्ता? बस अच्छा, बहुत अच्छा। तुम बताओ ना। नहीं तो मारू तुम्हें कैसा लगा? मारू की अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा। अच्छा जी तो अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और मामा और मारू जो है पीछे, मैं पहली बार निकल के खड़ा हो रहा हूँ, थोड़ा वेट करना पड़ेगा मुझे, आ रहे हैं पीछे पीछे। ये है यहाँ की कमर्शियल मार्केट, यहाँ पे भी चीज़ें होती हैं, यहाँ पर भी चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छी प्लेस है यहाँ पे। मैं तो आपको दोबारा स्टिल कह रहा हूँ कि जब अगर आप कहीं से भी आएँ, किसी शहर से भी आएँ, तो यहाँ पे ज़रूर आएँ, नाश्ता करें और फिर आगे की तरफ निकलें। तो अब हम जो है आई हैव ऑलरेडी, तो गाड़ी की तरफ जा रही, लेकिन मामा ने कहा कुछ हम मैंने शॉपिंग वॉपिंग करनी है तो यहाँ से कुछ चीज़ें देखनी है, तो देख लेते हैं कि क्या उन्होंने देखना है। चलें जी अब हम गाड़ी में वापस आ चुके हैं और अब हम घर की तारीख जा रहे हैं। थैंक यू। तो मामा ने भी अपनी कुछ जो शॉपिंग करनी थोड़ी सी वो भी कर ली है। बताना चाह रहा था कि मैं इंस्टाग्राम पर भी जो है वो इंस्टाग्राम तो मैं यूज़ नहीं करता था, लेकिन मैं इंस्टाग्राम अब यूज़ कर रहा हूँ और उस पर भी अपना काम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपलोड कर रहा हूँ और जो भी मेरे ब्लॉग आया करेंगे वो मैं इंस्टाग्राम पे आपको लोगों को पहले ही बता दिया करूँगा कि मेरा कौन सा ब्लॉग आने वाला है। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा।
جتنا ہو سکے مجھے سپورٹ کریں کیونکہ مجھے آپ کی سپورٹ ہی کی تو ضرورت ہے. اچھا اچھا کنٹینٹ آپ کے لیے جو بھی میرے اس میں ہے وہ لے کے میں آتا رہوں گا. ناشتہ بہت اچھا تھا. ماما پوچھتی ہیں ناشتہ کی ریویو میں پہلے دے چکا ہوں لیکن میں دوبارہ دے دیتا ہوں کہ ناشتہ بہت امیزنگ تھا, نکلنا چاہیے. میں ایکچولی باہر نکلنا بہت کم ہو گیا تھا اور اب مجھے یہی ذہن میں سوچ رہا ہوں کہ باہر مجھے نکلنا چاہیے تاکہ مجھے لوگوں سے تھوڑا سا انٹریکشن ہو, تھوڑا مزہ آتا ہے تھوڑا بہت. اسی طریقے سے آپ کبھی کبھی جب نکلتے ہو باہر اپنی فیملی کے ساتھ, اور آج کل تو میں فیملی کے ساتھ بہت زیادہ نکلنا شروع ہوا کیونکہ میں ہر بلاگ کو جو ہے وہ شوٹ کر رہا ہوں اسی وجہ سے کہ میرے بلاگ کی جو پروڈکشن ہے وہ بھی تیزی سے بڑھے اور مجھے زیادہ سے زیادہ جو ہے بلاگ وہ مل سکے تاکہ میں آپ کو لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ انگیج رکھ سکوں. مجھے یہ فرق نہیں پڑتا کہ میرا چینل کتنا سلو جا رہا ہے یا کتنی تیزی سے جا رہا ہے یا میرے پاس کتنے سبسکرائبر آ رہے ہیں. میں اپنے کنٹینٹ کے اوپر فوکس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں آپ کو اچھے سے اچھا کنٹینٹ دوں, اچھے سے اچھا کنٹینٹ آپ کے سامنے آئے تاکہ آپ کو انفارمیشن بھی ملے, تھوڑا انٹرٹین بھی ہوں آپ, اور جتنے میرے اسکلز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں, جتنے بھی انٹرٹینمنٹ ہے وہ شیئر کروں. اور یہی ہے کہ انسان تھوڑا فریش ہو جاتا ہے اور دوسرے بھی لوگ اسے دیکھ کے فریش ہو جاتے ہیں کیونکہ لوگ آفسوں سے تھکے ہوئے جاتے ہیں گھر, یہ ہوتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کو ایسی چیزیں آپ کو کرتے رہنا چاہیے. یا تو آپ ولاگنگ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ولاگنگ اسٹارٹ کر دیں, یا تو آپ ولاگنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دوسرے لوگوں کے بھی ولاگ دیکھیں اور ساتھ میرے بھی ولاگ دیکھیں, آپ کو بہت مزہ آئے گا. لیکن کبھی بھی یہ کہ لائف میں جو ہے وہ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا. لوگ بہت باتیں کرتے ہیں یار, لوگ بہت باتیں کرتے ہیں. آپ کے رشتہ دار سب سے پہلے آپ کے خلاف ہو جائیں گے. آپ کے رشتہ دار آپ سے جو ہے وہ اس طرح بیہیو کریں گے کہ آپ کو کہ یہ کیا ہے, یہ کیا چیز ہے, یہ کیا کر رہے ہو. لیکن آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا, آپ ڈٹرمنڈ رہو اپنی بات کے اوپر کہ مجھے یہ کرنا ہے تو کرنا ہے, کسی طریقے سے کرنا ہے. تو میرے اوپر بھی رشتہ داروں نے کئی باتیں بنائی, لیکن جب ماما اور میں نے چینل شروع کیا تو یہ شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہے, لیکن یہ اندر کا ٹیلنٹ ہوتا ہے جو نکل کے سامنے آ رہا ہوتا ہے بندے کے, جو لوگوں کے سامنے آ رہا ہوتا ہے, لیکن لوگ اسے ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن فیوچر یہی ہے کہ اپنی آواز لوگوں تک پہنچانے کا صرف یہی ہے, کیونکہ آپ کا جب مین اسٹریم میڈیا اٹھ کے یہاں پہ آ رہا ہے تو پھر آپ کیوں نہیں, آپ کیوں اپنا چینل شروع کر سکتے ہیں. تو اگر آپ بھی اپنا چینل شروع کرنا چاہتے ہو تو آپ بھی اپنا چینل شروع کرو, آپ کو ہر طرح کی سپورٹ ملے گی. لیکن رشتہ داروں کے بارے میں بالکل نہیں سوچنا کہ رشتہ دار کیا کہہ رہے ہیں, کیا بکواس کر رہے ہیں, کچھ بھی کہتے رہیں, آپ اپنا کام کرتے رہو بس. بات ہوتی ہے کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے رشتہ دار میں ہی ایسا ہی ہوا کہ میں جو میری سسٹر ہیں وہ نظر آ گئیں, تو بہت پوائنٹ آؤٹ ہوا بات کے اوپر کہ وہ نظر نہیں آنا چاہیے. یار سب چیزیں ہوتی ہیں, کیا ہم باہر نہیں نکلتے؟ بھائی بھی تو ہم نکلتے ہیں, آتے جاتے ہیں, کالج یونیورسٹی سب جگہ جاتے ہیں, تو یہاں پہ ہم کیسے آ رہے ہیں؟ یہاں پہ صحیح طریقے سے ہی آ رہے ہیں نا. تو بس آپ نے یہ چیز رکھنی ہے کہ اگر آپ نے اپنا کام اسٹارٹ کرنا ہے, اگر آپ نے اس چیز پہ فوکس رکھنا ہے, اگر آپ نے لوگوں کے ساتھ, اگر آپ نے انفلوئنسر بننا ہے, تو پھر آپ کو آپ کے اندر سے شائنس ختم ہونی چاہیے. آپ بالکل اپنے کام پہ فوکس رکھو, اپنے کنٹینٹ پہ فوکس رکھو, جو بھی اپنا ٹیلنٹ ہے آپ اس کو سامنے لاؤ اور اپنا کام کرو ڈٹرمنیشن کے ساتھ بس, اور کسی کو مت دیکھو. انشاءاللہ آپ ایک دن ضرور آگے نکل جاؤ. جب میں نے فری لینسنگ شروع کی تھی تو ابھی بھی لوگ مجھے کہتے ہیں, یعنی کہ پاکستان میں لیک آف اویئرنیس دیکھیں کہ ابھی بھی مجھے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے واقعی ارننگ ہوتی ہے, اس سے ایسے ہوتا ہے, اس سے کیسے کما لیتے ہو, یہ وہ. ابھی بھی لیک آف اویئرنیس ہے. لیکن جب ہم باہر کے جب ملک میں نکلیں, یو ایس اور یو کے, وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں. وہاں پہ پتہ ہے اب یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ ریموٹلی ورک ہوتا ہے, لیکن ابھی بھی لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ واقعی یہ ہوتا ہے, یہ چیز ہوتی ہے, یہ جاب ریگولر نہیں کر سکتے, یہ ایسا یہ ویسا. لیکن آپ یہ اپنے پورے بزنس سے کھڑے کر سکتے ہو. لیکن آپ کو کیا ہے, آپ کو ایک اسٹیپ لینا ہے, آپ کو فرسٹ اسٹیپ لینا ہے. جب آپ فرسٹ اسٹیپ لے لو گے تو پھر سب چیزیں آپ کے ساتھ ہو جائیں گی, پھر آپ نے کسی کے بارے میں نہیں سوچنا. تو یہی, اور آپ اپنی لائف کو انجوائے کرو گے بالکل صحیح ہو کے, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. شروع میں مجھے بڑی مشکل ہوئی تھی کہ یہ کیسے ہوگا, لیکن جب میں نے ایسا ایسا کیا اور ماشاء اللہ سے سب چیزیں اسی سے, میں نے اپنی شادی بھی اسی طریقے سے کی ہے, اور بہت بہت اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میں نے یہ ساری چیزیں اس طریقے سے مینیج کی ہیں. تو بڑا مزہ آتا ہے لائف میں, انجوائے کرتا ہوں. کچھ پارٹ ہوتا ہے لائف کا کہ آپ کو بڑا تنگ کرتا ہے, اور جو میں آنے والے وقتوں میں آپ سے شیئر بھی کروں گا
लेकिन अभी मैं बहुत खुश हूँ, फिलहाल खुश होकर ड्राइविंग कर रहा हूँ, तो अपने पास शेयर नहीं कर सकता। और कबीर सिंह की फीलिंग आ रही है थोड़ी थोड़ी मुझे अपने आप को देख के भी। तो काफ़ी दिन बाद मैंने ग्लासेस मैंने लगाना छोड़ दिए थे बिल्कुल, ये तो मैंने तकरीबन एक साल हो गया, एक साल बाद मैंने ग्लासेस दोबारा, मैं हर जगह जाता था ग्लासेस के बगैर ही, मैं ग्लासेस के बगैर निकलता नहीं था भाई, इवन कि रात को भी मैं जो है तो मगरिब हो जाती थी लेकिन मैं ग्लासेस मेरे पहने होते थे और मेरे अम्मा पापा कह रहे होते थे ग्लासेस उतार दो, लेकिन उसके बाद से ऐसे उतारे कि पहने नहीं। तो आज मैंने कहा सोचा कि ग्लासेस ले ही लो, तो ग्लासेस ले लिए, वो सूट भी कर रहे हैं। तो बस अब घर की जानब बढ़ रहे हैं, घर आ जाएगा। तो हेलो गाइस, इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं अपने घर और इस वक्त अपने टेरेस पे खड़ा हूं। बहुत मज़े का मौसम है और ये देखें, आप भी देख सकते हैं, और बहुत मज़ा आया हमें सुबह सुबह, हम निकले नाश्ते के लिए। और मैं तो कहता हूँ इस तरह के सीन जो है वह इंसान को रखने चाहिए और बाहर निकलना चाहिए। तो मैं इस व्लॉग को करूँगा अब यहीं पर एंड, क्योंकि अब जो है वो मुझे अपने थोड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, तो प्रोजेक्ट्स पे काम ख़त्म करके शायद मैं मुझे काम के लिए जाना है, निकलूँ बाहर, तो शायद मैं दोबारा दूसरा व्लॉग शूट करूँ, तो देखते हैं लेट्स सी क्या होता है। तो यहाँ पर व्लॉग को एंड करूँगा और नए व्लॉग के साथ फिर मुलाकात हो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।